रोहिणी दीदी आ गई नी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। समूह का हेतना दीदी एक साथ है हमरा घरे कोई जरूरी बका दीदी। दीदी रोरा से कुछ बात करे के बा। चली चली दीदी घरे बैठल जा आए के दुआरे पर चले के बैठल जा दीदी। दीदी पिछला साल हम गेहूं रोपले रहनी तो बीज में सुंडी और घुन लाग गई रहे। हाँ दीदी हम पिछले साल गेहूँ बोला रहनी उनमें बीज में फफूंदी लाग गई रहे जमता सही ना भई रहे। दीदी हम पिछला साल गेहूँ रोपले रहनी हमरो बीज मुँह तार हो गए। दीदी पिछला साल हम गेहूँ रोपले रहनी तो बीज सही ना जम रहा थोड़े थोड़े ना जमता ले रहे। रूबी दीदी पछिला साल हम जन गेहूँ बोले रहनी वो गेहूँ हमार जगह जगह जमता ना भई रहे। ए रूबी दीदी रोरा तो जीविका में ट्रेनिंग ले चुकल बानी तो रोरा ये साल हमसे समस्या सुननी आ ओकरा निदान खातिर कौन उपाय बतैती तो हम इसे के साल खेती करती से हमनी के समस्या तो रउआ सुन लहनी और की पारी रउआ कौन उपाय बताई ये गेहूँ का फसल सही हो। दीदी रवा लोग के तो समस्या हम सुन लहनी सब समस्या के एक गो उपाय गेहूं के बीज उपचार अगर हमनी के गेहूं के बीज उपचार करके बोइन तो गेहूं का बीज में मुअत्तार फफूंदी और घुन अब ना लगे। गेहूं के बीज उपचार कैला से एक बराबर सही से जमता हो। दीदी बीज के उपचार क्या कहा ई का होला दीदी तो पहला बार हमसे के सुना तनी सन। ए दीदी बीज उपचारन केंगा होला तनी हमनी सन के को के बताई। दीदी रो लोग अच्छा समय पर आइल बानी लोगी कमल जीव का समूह का दीदी आइल बानी लोगी। दीदी के खेत खातिर आज बीज उपचार हो रहल बा चल के रो लोगी सीख ली। चले दीदी चले के ठीक बारूबी दीदी सब। दीदी यहाँ के गोपालगंज जिला कुचाकुट ब्लॉक के हजार सीसिया के विदांती दीदी रहे वाली हैं। यहाँ के कमल जीविका समूह के कोषा अध्यक्ष हैं। आज विदांती दीदी हमनी के गेहूं के बीज के उपचार करे के बारे में बताए। टोला सीसिया गांव के दुर्गा जीविका समूह से रउआ से गेहूं के बीज के उपचार सीखे खाता लोगिन आइल बानी। बड़ा खुशी के बात हम सिखावतन। दीदी अपना गोपालगंज जिला में 27 कट्ठा के एक एकड़ होला हिसाब से श्री विधि से गेहूं के खेती करे के बा। प्रति कट्ठा 500 ग्राम बीज लागे 5 कट्ठा के लिए 2.5 किलो बीज रख ले बानी। बीज तो देख लेनी बकरे का चीज चाहिए। दीदी 2.5 किलो बीज के उपचार खातिर 5 लीटर सुसुम पानी बा हई 1 किलो जैविक खाद बा। जैविक खाद के का काम बा? जैविक खाद से बीज के बनल बनावल भोजन मिलेला ओकरा बाद 100 ग्राम के हिसाब से 5 कट्ठा खातिर 500 ग्राम गुड़ बा। दीदी गुड़ के का काम बा? जावना से बीज के ताकत मिलेला है देसी गाय के गौ मूत्र 5 कट्ठा खातिर ई 1/2 लीटर गौ मूत्र मिलावला से बीज के रोग दूर हो जाला है। फफूंदी के नाश करे वाला पाउडर है कहीं कहीं भविष्टी नाम से जानल जाला हमरे यहाँ जिम 50 के नाम पर मिलेला। दीदी जान फफूंदी हटावे वाला पाउडर बा ई जहरीला एकरा के छुए के पहले दस्ताना पहन लेवे के छ। दीदी ए बीज के सुसुम पानी में डाल देवे के बा। देखी हम सुसुम पानी में डाल देल बने भा मिलावतनी एमे देखी अच्छा बीज बैठ गई खराब बीज ऊपर टायरे लागो अब खराब बीज हम छान के निकाल दे। देखी दीदी है मिठवा एमे मिला देले। देखी दीदी है जैविक खाद मिलावतनी अब गौ मूत्र मिलावतने घड़ी के सुई के दिशा में मिलावे के बा एकरा के 8 घंटा खातिर तोप के रख देवे। विदांति दीदी 8 घंटा हो गई। दीदी हम तो 8 घंटा हो गए हम छानतन
दीदी देखी हम तब छान देने अब एकरा के हम भरका के रख देते हैं। देखी दीदी एकरा के हमरा फैला देबे के बा। बेबिस्टी पाउडर मिलावे के पहले हम दस्ताना पहन लेते हैं। 10 ग्राम बेबिस्टी पाउडर मिलावे के बा। देखी हाई मिलावे का तरीका है। देखी दीदी ज्यादा बीज फूलल बा एकरा के ज्यादा मिसने के नहीं है। देखी दीदी 12 घंटा के लिए छायादार जगह में एकरा के पुटनी बांध के रखे के बा। ऐसे का फायदा होई दीदी? ऐसे बीज अंकुरित तुरंत हो जाएगा। एक छायादार जगह में ले चल के रख दिली। दीदी गेहूँ के बीज के रउआ से हमनी के खूब बढ़िया सीख गई। एकरा खातिर रउआ के खूब धन्यवाद। रउआ सबके दीदी धन्यवाद।